धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर नगर पालिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नगर पालिका के सभी पार्षद, समाज सेवी और महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और कोविड-19 के चलते सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग दिया है। इस कड़ी में आज सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित किया गया। नगर पालिका द्वारा शील्ड देकर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णव ने नई आंगनवाड़ी बनाने के लिए महिला बाल विकास के अधिकारियों को बताया कि आपकी तरफ से आप हमें आवेदन दें, हम नगर पालिका क्षेत्र में नई आंगनवाड़ियां बनाएंगे। पीथमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। अभी कोई आंगनबाड़ी का कोई सुपरवाइजर वगैरह कोई आया क्या? तो सेंटर इंग्लिश में होते थे। तो 33 आंगनबाड़ियां हैं आपके मॉनिटरिंग और सुपरविजन, उसमें 3 भवन थे तो बाकी में भवन जैसी स्थिति उधर भी हो। अब समस्या ये है कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बोन बनाने ये बहुत खुली बात है। हम लोग चाहे तो 93 भवन भी बना सकते। हमारी ये प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमको जगह की प्रॉब्लम्स आती है, बनाना कहाँ से? जब वो हम तय करके हमारे कितने टेंडर कोलैप्स भी हुए हैं आंगनबाड़ी से कि जगह आइडेंटिफाई नहीं होती है, कहीं जगह का झगड़ा पड़ जाता है। तो इसमें प्रारंभिक तौर से आप कुछ ऐसा सर्वे करो कि जहाँ पार्षदों को भी लो, उनको भी पकड़ो, वो जगह दिखाए और जहाँ लिटिगेशन था वो एक सर्वे करके पूछिए हमको, क्योंकि अभी बजट है और बजट में महिला बाल विकास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो उन्होंने अभी उसको प्रपोजल्स मांगे हैं कि कितने आंगनबाड़ी सेंटर है उनके नवीन उनको बनाना है। उसको अभी हम भेज देंगे और नगर पालिका से जहाँ जहाँ जगह उपलब्ध हो जाएगी वो हमने रेगुलेशन पास कर रखा उसकी तैयारी कर ले और नगर पालिका उन सेंटरों में बच्चों की संख्या भी होगी तो नगर पालिका की तरफ से बच्चों को खेलने के लिए झूले और जो भी अन्य सुविधाएं जो रहती है वो तो सेंटर पे हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।